सांबा के विजयपुर इलाके में बढ़ी हलचल, ड्रोन से कुछ संदिग्ध सामान ड्रॉप किए गए। पूरे इलाके को किया गया सील, बम निरोधक दस्ता पहुंचा मौके पर। तलाशी के दौरान पैकेट में मिले हथियार, घड़ी और बैटरी, 10 पैकेट नकद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सिलेंडर फटने से घर में आग, 2 लोगों की मौत। नोएडा में पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़, 1 अपराधी गिरफ्तार। जयपुर में 26 साल की अंजलि वर्मा को 2 लोगों ने मारी गोली, पति ने अपने परिवार वालों पर जताया शक, लड़की का चल रहा है इलाज। पति लतीफ के मुताबिक उनकी शादी से नाराज थे परिवार के लोग, दोनों ने हाईकोर्ट से मांगी थी सुरक्षा। 1 साल पहले लतीफ और अंजलि ने की थी शादी, लड़की के परिवार वालों की थी सहमति। इस मामले में लतीफ के बड़े भाई के साथ साथ 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस कर रही है जांच। तमिलनाडु के तिरुनेवेली में हॉरर किलिंग की घटना, दूसरी जाति के युवक से शादी की जिद करने पर मां ने बेटी की ली जान। श्रद्धा मर्डर केस में आज हो सकता है आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट, सेहत ठीक नहीं रहने की वजह से बुधवार को नहीं हो सका टेस्ट। श्रद्धा मर्डर केस में सबूत की तलाश में एक बार फिर आफ्ताब के दिल्ली वाले घर पहुंची पुलिस, आफ्ताब की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके पिता से की पूछताछ। श्रद्धा हत्याकांड में हुआ नया खुलासा, मुंबई में पहले भी आफ्ताब को दे चुका है जान से मारने की धमकी। 2 साल पहले श्रद्धा की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने कहा शिकायत मिलने पर शुरू की गई कार्रवाई, लेकिन बाद में शिकायत वापस ले ली गई थी। श्रद्धा हत्याकांड पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, बोले श्रद्धा की शिकायत पर होती कार्रवाई तो बच जाती जान। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 8 लोगों की दुर्घटना में मौत, 2 घायल बच्चों का इलाज जारी। कोयम्बटूर में एनआईए ने ऑनलाइन केमिकल खरीदने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया, आगे की पूछताछ जारी। झारखंड के जमशेदपुर में स्कूल बस पलटी, दुर्घटना में कई बच्चे घायल। महाराष्ट्र के हिंगोली में रेलवे संघर्ष समिति का रेल रोको आंदोलन, रेलवे ट्रैक पर बैठकर नारेबाजी, इंजन पर चढ़कर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के बिजनौर में दिन दहाड़े कॉलेज छात्र की गोली मारकर हत्या, 2 अज्ञात बाइक सवार ने दिया घटना को अंजाम। सोनीपत में भारतीय किसान नौजवान यूनियन का विरोध प्रदर्शन, पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, जलाए पुतले। गोहाना में एयरलाइन का टिकट ऑनलाइन रद्द करने में ठगी, 1 लाख रुपए अकाउंट से निकाले। मेरठ में कक्षा 9 की छात्रा का वीडियो वायरल, मंचले पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप, पुलिस ने मंचले के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। राजस्थान के बाड़मेर में अस्पताल में लगी अचानक आग, ड्रिप लेकर दौड़े मरीज, आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के पीलीभीत में जेल में सब्जी काटते वक्त कैदियों के बीच हुई झड़प, चाकू लगने से 1 कैदी गंभीर रूप से घायल। घाटी में अनंतनाग, शोपियां और बांदीपोरा में छापेमारी, आतंकी हमले को लेकर तलाशी। समस्तीपुर में रेल मंडल ने 18 घंटे की टिकट चेकिंग से जुर्माने के रूप में वसूले 68 लाख रुपए, पिछले दिनों के खुद के 61 लाख वसूलने के रिकॉर्ड को तोड़ा। मेरठ में शरारती तत्वों ने की मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त, 1 आरोपी गिरफ्तार, हिंदू संगठन ने जताया रोष। हरियाणा के झज्जर में तेज रफ्तार बाइक ने 3 लोगों की जान ली, ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज। फतेहपुर में जीआरपी कांस्टेबल ने बचाई महिला की जान, चलती ट्रेन पर महिला ने की चढ़ने की कोशिश, सीसीटीवी में घटना कैद। यूपी के औरैया में खाद न मिलने से किसान परेशान, किसानों का आरोप ब्लैक में कुछ लोगों को दी जा रही खाद। भोपाल में भी पर्याप्त खाद होने के दावे फेल, खाद के लिए लंबी लाइन में लगने को मजबूर बुजुर्ग और महिलाएं। नोएडा में खड़ी बस में लगी आग, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, आग लगने की वजह नहीं हो पाई स्पष्ट। हरियाणा के रेवाड़ी में भी खाद के लिए किसानों को खाने पड़ रहे धक्के, सरकार के सही इंतजाम न होने से बेहाल किसान। चेन्नई में स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन, बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला। नागपुर में मिर्ची गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए की मिर्ची जलकर खाक। उधम सिंह नगर में एक फैक्ट्री में लगी आग, अग्निकांड में 1 व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही सामने आई, एचआईवी पॉजिटिव गर्भवती महिला 6 घंटे तक तड़पती रही, बाद में प्रसव के दौरान बच्चे की मौत। करनाल में सोनी चैनल की सीरियल अहिल्या बाई के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन, युवाओं का आरोप हिंदू जाट राजा को दिखाया गया डरपोक। अलीगढ़ में सड़क का चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में हुआ हादसा, खुदाई के दौरान पुलिया ढहने से 40 फीट गहराई में गिरा डंपर। यूपी के फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण के मामले ने पकड़ा तूल, हिंदू
से क्रिश्चियन बनाने के आरोप में 8 पर मुकदमे दर्ज, 5 लोग गिरफ्तार। मथुरा में करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत, 3 घायल, दुकान निर्माण के दौरान हुआ हादसा। पानीपत में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत, मृतक के परिजनों ने लगाई प्रशासन से गुहार। हरियाणा के भिवानी में सरपंच चुनाव को लेकर खूनी संघर्ष, पुलिस ने शार्प शूटर को किया गिरफ्तार, अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत। मुरादाबाद में शादी में हर्ष फायरिंग, दबंगों के हथियार लहराने का वीडियो वायरल, पुलिस ने 12 घंटे के अंदर 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद से किडनैप हुई नाबालिका, बुलंदशहर से मिला शव, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के नीमच से पुलिस ने बड़ी संख्या में पकड़ी गांजे की अवैध खेती, पुलिस आगे की जांच में जुटी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद को एक और बड़ी चोट, 1 अरब 23 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क, पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई। यूपी के बांदा में बस के अंदर 2 ड्राइवर ड्रग्स का सेवन करते आए नजर, यात्री ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। मुंबई से पुलिस ने 3 बाइक चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की गई 9 बाइक बरामद। नागपुर में एक अनियंत्रित स्कूल बस छात्रों की भीड़ में जा घुसी, हादसे में 1 छात्र की मौत, हादसे का वीडियो वायरल। मेरठ में सेना में नौकरी के नाम पर ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार, 16 लाख कैश के साथ फर्जी आई कार्ड बरामद। भरतपुर में विश्व हिंदू परिषद में सामूहिक विवाह समारोह के दौरान लगाया जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप। लखीमपुर खीरी में तेंदुए ने ली 3 लोगों की जान, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे में किया कैद। पुणे में घर में अचानक लगी भीषण आग, पूरा घर जलकर खाक, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। गुजरात में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, आज 4 रैलियों को करेंगे संबोधित, वडोदरा में विशाल जनसभा को किया संबोधित। दाहोद में पीएम मोदी ने सभा में कहा कांग्रेस ने 60 साल राज किया लेकिन किसी आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनाया। दाहोद में पीएम मोदी ने कांग्रेस की पदयात्रा पर साधा निशाना, बोले एक नेता पदयात्रा कर रहे हैं लेकिन वो यात्रा पद के लिए हो रही है। गुजरात के जूनागढ़ में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन का अनोखा अभियान, दिल्ली चलो की तर्ज पर बूथ चलो का दिया नारा, 1 दिसंबर को पहले फेज में होनी है वोटिंग। गुजरात के गोधरा में ओवैसी की चुनावी सभा, बीजेपी उम्मीदवार पर जमकर किया हमला। भावनगर में भी पीएम मोदी की रैली, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा राष्ट्रपति चुनाव में नहीं किया आदिवासी महिला का समर्थन। जूनागढ़ में बीजेपी के लिए जेपी नड्डा का प्रचार, कहा पीएम मोदी से प्यार करते हैं लोग, नहीं खुलेगा आपका खाता। गुजरात में नड्डा ने विकास को ही बताया चुनावी मुद्दा, कहा नर्मदा बांध के विकास को रोकने वाली मेधा पाटकर से जुड़कर कांग्रेस ने बता दिया कि उसे गुजरात से प्यार नहीं। बोटाद में भी जेपी नड्डा की चुनावी सभा, बीजेपी की जीत का किया दावा। सूरत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भव्य रोड शो, भारी संख्या में शामिल हुए लोग। गुजरात के द्वारका में योगी आदित्यनाथ की सभा, बीजेपी उम्मीदवार प्रभुभा मानिक के लिए मांगे वोट। चुनावी रैली से पहले द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। सूरत में गृहमंत्री अमित शाह ने संभाला मोर्चा, बारडोली विधानसभा में की जनसभा। सौराष्ट्र इलाके के राजकोट में भी अमित शाह पहुंचे वोटरों के बीच, जसदान में चुनावी रैली। कंकरेज विधानसभा क्षेत्र में आप नेता राघव चड्ढा की रैली, कहा केजरीवाल से डरते हैं भ्रष्टाचारी नेता, सुनाया शोले फिल्म का मशहूर डायलॉग। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर बोला हमला, कहा इन्होंने भ्रष्टाचार को बनाया वैध। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले आदित्य ठाकरे, साथ में मौजूद थे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। मुलाकात के बाद बोले आदित्य ठाकरे, देश के सभी युवाओं को आना चाहिए साथ, देश में उठाना चाहिए बेरोजगारी का मुद्दा। आदित्य ठाकरे के साथ सीएम नीतीश से मिलने के बाद बोले तेजस्वी, लोकतंत्र और संविधान बचाने की है जंग। राजस्थान के बूंदी दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में शामिल। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल हो रही हैं प्रियंका गांधी, मध्य प्रदेश के खंडवा से गुजर रही है यात्रा। प्रियंका गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा और बेटा भी यात्रा में, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 78वां दिन। बीजेपी पर सचिन पायलट का बड़ा आरोप, कहा भारत जोड़ो यात्रा में बाधा कर सकती है पार्टी लेकिन सफल होगी राहुल की कोशिश। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर पोस्टर वॉर, सत्येंद्र जैन के खाने वाले वीडियो को लेकर निशाना। जेल के खाने और सीसीटीवी फुटेज लीक होने को लेकर सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज सुनवाई, अदालत ने तिहाड़ प्रशासन से मांगा जवाब, सोमवार तक पेश करनी होगी मेडिकल रिपोर्ट।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिन के सशक्त उत्तराखंड कार्यक्रम में शामिल, देहरादून में आयोजन। समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल हसन चांद ने कहा सरकार बताए कि पिछले इन्वेस्ट समिट में कितना निवेश यूपी में आया। खंडवा में आदिवासियों के बीच जमकर नाचे सीएम शिवराज, क्रांतिवीर टंटिया भील की समाधि का किया दौरा। भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान का किया शुभारंभ, पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुविधा पर खास जोर। सीएम नवीन पटनायक ने पूर्व सीएम नवाकृष्ण चौधरी को दी श्रद्धांजलि, मनाई जा रही है जन्म जयंती।